एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जहां से भी आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, माता रानी सबकी रक्षा करें, भोले बाबा सबकी रक्षा करें। और आज डे है संडे, तो आज कुछ ज़्यादा ही मैं बिजी हूँ। किस बात के लिए बिजी हूँ? क्योंकि कल से बाबू का है स्कूल खुलने वाला है, तो जितना भी मेरा पेंडिंग का काम, मुझे अब सब सारा काम नजर आ रहा है। यार ये भी करना है, ये भी करना है, कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं, बहुत सारा काम है। तो मैंने कपड़े आज धोना छोड़ दिया है। मैंने सोचा चलो पहले किचन क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर सारा किचन मैंने क्लीन कर लिया है, ऊपर देख सकते हैं आप, सारा मैंने डब्बा वब्बा पोंछ के अच्छे से लगा दिया है। अब रह गया असली, भी मैंने सब अच्छे से कर दिया है। ये है, मैंने पनीर बनाई थोड़ी सी, वो पनीर है। अभी चाय बनाऊँगी, बाकी इधर सब क्लीन है। अब रह गया है मेन, ये नीचे वाला पोर्शन है, तो इसको करने जा रही हूँ। करने से पहले मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो एक ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि कल भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। एक तो इतनी ठंड है ना, ठंड के में ना कुछ भी करने का मन नहीं करता, कहाँ ब्लॉग शूट करने, कुछ भी नहीं मन करता करने का बिल्कुल भी। और ना कोई वारा, पानी पानी सा हो जा रहा है पूरा ठंड के मारे। जुकाम नहीं है लेकिन वो बस होता रहता है ऐसा। तो चलिए मैं ना सफाई कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड मैं लग गई हूँ अभी अपने किचन में साफ सफाई करने में। काफ़ी दिन से नहीं सफाई की थी किचन की। ये होता है ना ठंड के दिन में थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ। आज भी मेरे दो दिन पहले भी मेरा मन हुआ था कि मैं साफ़ कर लेती हूँ, किचन क्लीन अपना करती हूँ, कंटेनर वगैरह, लेकिन फिर मैंने नहीं किया। क्योंकि वो तो सुबह से लगता है पानी जैसे गर्म करके नहाने के लिए रखती हूँ, फिर लगता है पानी कहीं ठंडा ना हो जाए, तो इसकी वजह से फिर मैं नहा लेती हूँ काम वाम छोड़ छाड़ के। लेकिन आज फिर मैंने कपड़े नहीं धोए आज। मैंने कहा अगर कपड़े धोऊंगी तो मतलब एक ही काम हो पाता ना, कपड़े धोने में टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा चलो आज कपड़े ना धो के किचन ही क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे ड्रम वगैरह मैंने सब अच्छे से पोंछ लिया है, और अभी दो ही ड्रम पोंछा है, और ऊपर का स्लिप का ऊपर का जितना भी डब्बा था सब मैंने पोंछा है। तो अभी अच्छे से नहीं पोंछी हूँ क्योंकि अभी भी तेल तेल जैसा हो रहा है। अब थोड़ा सा मौसम गर्म हो ना तो मैं आराम से बैठ के और फिर एक एक डिब्बे को क्लीन करूँगी। और अब मैंने सोच लिया ना कि अभी से जो भी बॉक्स मेरा खाली होगा ना, जैसे किसी में दाल है, किसी में कुछ है थोड़े थोड़े, तो जैसे जैसे खाली होता रहेगा ना फिर मैं उसको वॉश कर लूँगी, धो धो के धूप में सुखा लूँगी। तो फिर एक साथ ना इतने सारे बॉक्स धुलने नहीं पड़ते एक एक। किचन में अगर साफ़ रखना आपको तो ये ट्रिक आप भी अपना सकते हैं, बहुत ईजी होता है हमको काम करने में। एक हाउस वाइफ को ना ये सब ट्रिक को फॉलो करना चाहिए। मैंने भी किसी के वीडियो ही देखा था, तो वहीं से भी मुझे भी मतलब पहले मैं भी ऐसे करती थी कि एक ही बार में सारे बॉक्स को लेके बैठ जाती थी और दो दो घंटे तीन तीन घंटे तक उसी में धोती रहती थी। लेकिन अब मैंने भी शुरू कर दिया कि जैसे जैसे कंटेनर खाली होता है ना वैसे वैसे मैं धोना शुरू कर देती हूँ। तो इससे ये होता है कि टाइम भी कम लगता है और हमारा काम भी जल्दी इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ड्रम वगैरह, अभी जब ये एक और खाली हो जाएगा आटा चावल, फिर मैं अच्छे से इसको खाली करके धोऊंगी। अभी तो इसके अंदर सामान है तो बस मैंने ऊपर से ही पोंछा है, अब इतनी ज़्यादा सफाई भी नहीं की। अब अभी फरवरी का महीना आ जाएगा ना तब मैं सफाई करना शुरू करूँगी, क्योंकि अभी जनवरी का महीना मुझे पता है पूरा ठंड वाला होने वाला है, तो फरवरी में ही करना है मुझे। तो यहाँ पर आलू प्याज टोकरी में मिक्स हो रखा है, तो प्याज को छोटे वाली टोकरी में डाल दूँगी, और बड़े वाले बास्केट में आलू है, छोटे वाले में प्याज। अब सेपरेट हो गया ना, इस पर मैंने आलू धोया नहीं है क्योंकि नए वाले आलू में ना इस टाइम का जो आलू आता सर्दियों वाला, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, रेतीली वाली मिट्टी होती है। हमारे यहाँ पे तो रेत की मिट्टी वाली आलू होते हैं, तो उसमें बहुत मिट्टी होती है। तो मेरी आदत थी मैं सुबह पहले ही धो देती थी, लेकिन आजकल इतना काम पेंडिंग होता ना कि समझ में नहीं आता। तो अभी मैं लेकर आऊँगी आलू अब की बार, तो फिर मैं उसको अच्छे से धुल कर ही रख दूँगी। और इस प्लास्टिक वाली बकेट में वो कच्चा चावल है, क्योंकि कच्चा चावल हम लोग बहुत कम खाते हैं, हम लोग सेला चावल खाते हैं ना, तो बड़े वाले ड्रम में सेला चावल है और छोटे वाले बकेट में ना कच्चा चावल है। इसको हम लोग कभी कभी मैं बनाती हूँ, कोई अगर स्पेशल होता है तब, या व्रत वगैरह होता है ना, व्रत के कुछ दिन पहले जैसे खाना होता है पहले तब बनाते हैं हम लोग, क्योंकि इस चावल को शुद्ध माना जाता है, कच्चा जो चावल होता है उसको शुद्ध माना जाता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ पर ज़्यादातर पक्का चावल ही खाया जाता है इधर बिहार साइड में और बंगाल साइड में, इधर लोग ये चावल ज़्यादा खाते हैं जो कि हम लोग खाते हैं हमेशा। तो बस यही सब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मैं, और फिर से कह रही हूँ कि जो मुझे सपोर्ट करिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए। जो मेरे चैनल पर नए आते हैं ना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा,
क्योंकि मुझे आप लोग के सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट आप लोग नहीं करते हैं तो प्लीज़ करिएगा, है ना। और इसमें है जीबीकंद, तो जीबीकंद का मैं बनाने वाली हूँ चोखा, क्योंकि मैं जीबीकंद का चोखा ज़्यादा खाती हूँ। मैं ही खाती और कोई नहीं खाते मेरे घर में, तो बस थोड़ा सा मैंने बनाया था, अभी थोड़ा सा भी है क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही खाते, उसको चटनी की तरह ही खाते, ज़्यादा खाएंगे तो वो नुकसान करता है। और जब भी सर्दी का टाइम है तो सर्दी के टाइम भी इतना नुकसान नहीं करता है, लेकिन गर्मी में ना बहुत ज़्यादा नुकसान करता है जीबीकंद, बहुत ज़्यादा गर्म करता है इसलिए। तो अभी मैं सर्दी खा के ख़त्म कर लूँगी, आधा मैंने बनाया है, आधा अब बनाऊंगी थोड़ी सी देर के बाद, मतलब थोड़ी सी दिनों के बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा तब। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, देख सकते हैं। तो यहाँ पर चाय में मैं ना चीनी डाल चुकी थी, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने चीनी डाली या नहीं डाली, तो वही मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा तो चीनी डली हुई थी, और नहीं तो और बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती चाय। तो जब तक मेरी चाय बन रही है, जब तक मैं किचन में पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि किचन में पोछा लगाने के बाद मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद ही नहाऊँगी। बहुत देर से मैं चाय का वेट कर रही थी कि चाय पीऊँ उसके बाद काम करूँ, चाय पीऊँ उसके बाद काम करूँ, बट नहीं हो पाया। मैंने कहा चलो अब जब तक किचन भी साफ़ हो चुका है मेरा, सब कुछ काम हो ही गया, तो आराम से बैठकर अब चाय पीऊँगी उसके बाद नहाऊँगी। और कपड़े, दो तीन कपड़े मैंने सोचा था नहीं धोऊँगी, फिर मैंने को लगा हाथ से धो लेती हूँ, क्योंकि कम कपड़े होते ना तो हाथ से धुल जाते, ज़्यादा कपड़े होते तो मशीन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज बाबू के कपड़े और मेरे कपड़े हैं, तो थोड़े थोड़े से कपड़े हैं, तो सोच रही हूँ मैं आज धो ही लेती हूँ, क्योंकि पानी ना गर्म भर के दो बाल्टी पड़ी हुई है, तो फिर वो पानी भी ठंडा हो जाएगा कोई और किसी काम में ही नहीं आएगा। तो थोड़ा सा पानी देख के लालच आ गया, तो मैंने कहा चलो कपड़े मैं धो ही लेती हूँ। तो बस चलिए चाय वाय पी लेती हूँ मैं, उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए। और मैं पीछे देख रही थी कि मेरा वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि कभी कभी होता ना मैम इसकी स्पेस नहीं रहता, स्पेसफुल हो जाता ना, तो वीडियो रुक जाता है मेरा। तो चलिए पोछा भी लगा लिया, अब चाय भी बन गई है, और किचन भी कितना क्लीन लग रहा है ना। तो मुझे खुद भी नहीं कह रहा कि मेरा ही किचन है, क्योंकि किचन ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं छान रही हूँ अपनी चाय, और मैं यहाँ पर चाय लेकर बैठ गई हूँ, और पता नहीं मेरे मुँह में बाल ऐसा लग रहा था कि मुँह में बाल आ गया, तो वही मैं हटाने लग गई थी। फ्रेंड मेरा किचन भी क्लीन हो गया, सारा काम हो गया मेरा, मतलब सारा काम नहीं बस किचन क्लीन हुआ, अभी बाथरूम के साइड पूरा क्लीन करना रह गया है, बेडरूम में नीचे पोछा लगाना रह गया, तो देखूंगी पोछा लगाऊंगी नहीं तो झाड़ू ही लगा दूंगी, क्योंकि अभी ना गीला गीला सारा सूख भी नहीं रहा है, रूम भी एकदम ऐसा लग रहा है सील, बिल्कुल पानी पानी सा रखा है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, छोटा सा ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो मेरे चैनल पर नया आते हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा आपको सबसे ज्यादा सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू माई यूट्यूब फैमिली।